पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इस पर्व को हम डाक विभाग पूरे मनोयोग से मनाता है और इसमें राखियों की बुकिंग से लेकर डिलीवरी की प्रॉपर व्यवस्था करता है। बुकिंग के लिए हम सेपरेट, इसके लिए सादा राखी के लिए अलग से हम बॉक्स रखते हैं और जो आर्टिकल हमारे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री में या साधारण डाक में राखी बुक होती है उसको हम स्पेशल राखी बैग बनाकर गंतव्य स्थानों को भेजते हैं। और इस बार पूर्व की भांति छुट्टी के दिनों में भी हमने राखियां समय से पहुंचे। आज मुहर्रम का पर्व होते हुए भी डाकघर खोले हुए हैं, हमारे पोस्टमैन राखियां लेकर बीट में गए हुए हैं ताकि बहनों की राखियां समय से पहुंचकर वो अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकें। इसके लिए हमारा डाक विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे मनोयोग से मना रहा है और इसके लिए हमने पूर्व में रैली निकाली है और झंडों की हम बिक्री हर डाकघर के माध्यम से कर रहे हैं और झंडों की डिलीवरी हम यदि पब्लिक हमको ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना ऑर्डर कर रही है ऑनलाइन उसको भी हम पोस्टमैन के माध्यम से उसके डोर स्टॉप पर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के झंडे का वितरण हम लोग कर रहे हैं। लिपिका, कहाँ आए हैं आप? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आए हैं हम यही अमृत महोत्सव के लिए झंडा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो बताया गया है कि आपको हर घर झंडा लगाना है, तिरंगा फहराना है, तो उसी के उपलक्ष में हम लोग झंडा खरीदने के लिए आए हैं। हमने दो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है घर पे झंडा लगाने की और भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ जी, इस तरह की जागरूकता दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जागरूकता है इस चीज़ के प्रति जब से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये सब चलाया गया है कि लोगों के मन में जो है देशभक्ति जागरूक हो रही है, मतलब जागरूकता बढ़ रही है इस चीज़ को लेकर के कि आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हमारा देश। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।